नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों हमारा करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है, मैंने आपसे बताया था कि डेली करंट अफेयर के साथ साथ हमारा वीकली भी आएगा और इसके साथ साथ मंथली भी आएगा और साथ साथ एमसीक्यू भी आएगा दोस्तों। तो कल हमारा एमसीक्यू आएगा नवंबर मंथ का, तो उसको आप देखना नहीं भूलिएगा, बिकॉज हम लोगों का टारगेट है कि एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, वो भी आपका बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके, ताकि कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं उनका भी हेल्प हो पाए। और आप सभी को पता है दोस्तों कि करंट अफेयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सरकारी एग्जाम में हर जगह जो है आपका हेल्प करता है दोस्तों। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है रिगार्डिंग इस दिसंबर के मंथ में, वो सारे चीज़ों को हम लोग लेंगे दोस्तों। और जाते जाते इस वीडियोज के एंड में एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको बताते जाएंगे, इसलिए आपको हमारे साथ बने रहना है। तो पहला जो कैटेगरी अगर हम बात करेंगे नेशनल न्यूज़ का, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि पहला जो कैटेगरी में है कि जल इतिहास उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन दिल्ली। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जल इतिहास उत्सव जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज्ड किया है, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि ये ऑर्गेनाइज जो किया तो किस प्लेस में है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसेंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर्स कौन है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स लॉन्च एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। एम्पलीफाई का फुल फॉर्म हो जाता है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। देखिए दोस्तों यहाँ से भी क्या है इंपॉर्टेंट कि एक तो है कि आपका इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, एम्पलीफाई का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एम्पलीफाई जो है ये आपका क्या चीज़ है, तो ये आपका नॉर्मल क्या है दोस्तों, तो पोर्टल है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग। और इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट स्कीम और याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रिसेंट्स में भी NLCIL ने साइंड किया है MOU। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ नेटूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन एंड तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसेंट्स में किस स्टेट ने जो है यूथ एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर के NICIL से जो है टाइप किया है दोस्तों। इसके साथ साथ बेंगलुरु टू गेट इंडिया लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे स्पैनिंग 287 किलोमीटर, यानी कि बेंगलुरु जो है भारत का जो है लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे बना है, जिसका जो एरिया कह सकते हैं 227 किलोमीटर के आसपास है। फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा जो फेस्टिवल हुआ था वो आपका तिरुवनंतपुरम, मतलब कि आपका दोस्तों केरला में हुआ था, और केरला का जो कैपिटल है दोस्तों वो आपका तिरुवनंतपुरम है। इसके साथ साथ केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोझिकोड, जिसको हम लोग सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, सिटी ऑफ लिटरेचर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में वर्ल्ड सिटी डे हुआ था, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका साइक्लोन मिचोंग। अब ये जो साइक्लोन मिचोंग है, यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि साइक्लोन जो मिचोंग है एक्चुअल में इसका नेमिंग कौन दिया, और ये साइक्लोन मिचोंग से जो भी इन्फेक्टेड एरियाज था लाइक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तो ये सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो साइक्लोन मिचोंग को भी आपको याद रखना होगा दोस्तों, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वन साइक्लोन मिचोंग्स के बारे में, तो एक क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वो आपका ये है कि रिसेंट्स में अर्जुन राम मेघवाल इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या चीज़, आपका साहित्य एकेडमी बुक फेयर। अब सवाल यहाँ पर है कि ये जो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं ये कौन हैं, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मतलब कि लॉ एंड जस्टिस के इंडिपेंडेंट ये चार्ज लिए हैं मिनिस्ट्री में, जिसका नाम है अर्जुन राम मेघवाल जी। तो इन्होंने एक इनॉग्रेशन किया है साहित्य एकेडमी बुक फेयर, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है क्या चीज़, आपका मिशन दक्ष, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिशन दक्ष टू मिनिमाइज स्कूल ड्रॉप आउट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रिसेंट्स में किस पार्टिकुलर स्टेट ने ये पार्टिकुलर मिशन जो है लॉन्च किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मिशन बिहार गवर्नमेंट। अच्छा, किस चीज़ के लिए है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्कूल ड्रॉप आउट के लिए है, इस मिशन का नाम है मिशन दक्ष। और अगर हम बात करेंगे बिहार के रिगार्डिंग, तो अभी आप सभी को पता होगा दोस्तों बिहार के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिसेंट्स में अभी बिहार में जो है आपका दोस्तों कास्ट सर्वे हुआ जो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आपको रिमेम्बर रखना है। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बना आरोग्य मैत्री एड क्यूब अनवेल्ड इन गुरुग्राम, कहाँ पे बना, तो गुरुग्राम में बना जो हमारे प्यारे से भारत में है।
इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ पे हेल्ड हुआ है दोस्तों, तो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है 2023 का। आर के सिंह ने इनॉग्रेट्स किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे नेशनल न्यूज में, तो पीएम मोदी ने जो है एक अनवेल किया है स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट। राजकोट का अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल कहाँ हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन है आपका टकेडा पार्टनर्ड विद बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल यानी कि बिराक इन इंडिया इन हेल्थ केयर इनोवेशन। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन है दोस्तों आपका कि 18 करोड़ 50 लाख बेनिफिशियरी जो है इनरोल्ड किया है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पीएम सुरक्षा बीमा योजना ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। 11वां बांग्लादेश का जो बुक फेयर जो बिगिंस होगा वो कहाँ पे होगा दोस्तों, तो आपका कलकत्ता में होगा। यूपी म्यूनिसिपैलिटी पास्ड प्रपोजल टू रीनेम फिरोजाबाद एज चंद्रा नगर, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि फिरोजाबाद का जो नाम चेंज हो रहा है तो चंद्रा नगर नाम हो रहा है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि फिरोजाबाद का नाम बदल करके क्या रखा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रा नगर। कोलकाता डिक्लेयर सेफेस्ट इन इंडिया फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी। अभी देखिए रिसेंट्स में क्या है कि एनसीआरबी का रिपोर्ट आया तो कोलकाता को बताया गया है कि भारत का सबसे सेफेस्ट जो अगर शहर है या स्टेट है तो वो आपका क्या है, कलकत्ता है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज लॉन्च इन्होंने किया है ग्राम मंचित्रा, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत ने प्रोवाइड किया है $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट टू केनिया, केनिया जो आपका साउथ अफ्रीका का पार्ट नॉर्मली कह सकते हैं, फॉर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, रिसेंट्स में भी गुजरात का जो गरबा डांस है उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, इनटेंजिबल कल्चरल साइट में। इंडिया ने साइन किया है रिसेंट्स में अभी एक एग्रीमेंट एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ टू इम्प्रूव मध्य प्रदेश रोड्स। एलन करियर इंस्टीट्यूट अक्वायर डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म .net, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि एलन करियर इंस्टीट्यूट्स ने राइट नो अक्वायर्ड किया है किस चीज़ को, तो .net को। 59th फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनुअल सेमिनार 2023 जो हेल्ड हुआ आपका दोस्तों, वह कहाँ पे हुआ है, तो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, तो निर्मला सीतारमन जी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फिनेंस मिनिस्ट्री से बिलोंग करती हैं, निर्मला सीतारमन जी रोशनी नदार मल्होत्रा सोमा मंडल एंड किरण मजुमदार शाह आर द 4 इंडियंस अमंग फॉर्ब लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ 2023, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ तक का जो था इम्पॉर्टेंट दोस्तों वो था आपका नेशनल न्यूज़ के बारे में। इसके बाद जो शुरू होगा वो हमारा होगा इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में अगर हम पहला बात करेंगे तो नेपाल जो है पहला कंट्री बना है साउथ एशिया का जिसने रजिस्टर्ड किया है सेम सेक्स मैरिज को। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो आपका हेल्ड हुआ है वो आपका एक्रा घाना में हुआ है। 91st एडिशन ऑफ इंटरपोल जनरल असेंबली, इंटरपोल का मतलब आपको पता होगा इंटरनेशनल पुलिस, जिसमें हमारे देश का CBI एक मेंबर है दोस्तों, ये हेल्ड हुआ है वियना ऑस्ट्रिया में। अल्टेरा फंड फॉर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इज लॉन्च बाई, कौन लॉन्च किया है, तो आपका UAE। इसके साथ साथ आपका एंगकोर वेट टेम्पल ये आपका कैम्बोडिया में है जो बना है 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि दुनिया का 7वां अजूबा तो होता है, अब सवाल है कि दुनिया का 8वां अजूबा क्या है, तो एंगकोर वाट फेस्टिवल जो कहाँ पे है, कैम्बोडिया में है दोस्तों। इंडिया जो है री इलेक्टेड किया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ कॉल्ड IMO। वर्ल्ड का जो डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग हुआ है तो भारत ने इसमें रैंक किया कितना, तो 49th, और इसमें टॉप कौन किया है दोस्तों, तो आपका US किया है। द वर्ल्ड रीज चूजन एज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023, ऐसा कई सारा चीज़ हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे डेली करंट अफेयर की सीरीज में, आप सभी को याद होगा दोस्तों। चाइना ने अडॉप्ट किया है वन प्रोविंस वन पॉलिसी अप्रोच टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, और अभी चाइना में जो है फिर से दोबारा वायरस आ गया है दोस्तों, जिसके रिगार्डिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है राइट नाउ, और रिसेंट्स में चाइना अभी डिफ्लेशन से भी गुजर रहा था दोस्तों, आप सभी को पता होगा। वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शंस का एक पार्ट या रेडियो एक्टिविटीज़ का एक पार्ट पढ़ा होगा, तो उसमें आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस में फ्यूजन एंड फ्यूजन का जो भी है पार्ट आता है, तो यहाँ पर वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA इनॉग्रेट हुआ है जापान में। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो हो जाएगा दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग जो हमारा पहला चीज़ है कि कंचन देवी पहली वुमेन बनी है DG ऑफ डून बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एडुकेशंस। ठीक है,
एक चीज़ और यहाँ पर, पहले बैंकिंग का यहाँ से ही देख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। हाँ देखिए, अगर हम बैंकिंग की न्यूज़ की बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखना होगा कि द टोटल जीएसटी रेवेन्यू 1.68 लाख करोड़ इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है दोस्तों। सेबी ने अनाउंस किया है एक्सटेंड द टाइमलाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल स्कोर्स प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये स्कोर्स प्लेटफॉर्म है ये किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका कानून कब आया था दोस्तों, तो 1992 में आया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है दोस्तों आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्स किया है किसके साथ, water.org टू ऑफर सैनिटेशन लोन। LIC ने इंट्रोड्यूस किया है न्यू होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जीवन उत्सव। तो कमेंट सेक्शन में आप एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि सबसे पहली मर्तबा जो है, सबसे फर्स्ट टाइम जो है भारत में कौन सा शुरुआत हुआ था लाइफ इंश्योरेंस के मैटर्स को लेकर के, सबसे पहले कौन सा शुरुआत हुआ था ओवरऑल, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो कंचन देवी पहली वुमेन बनी है DG डून बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एडुकेशन की। भारतीय एयरटेल बिकम 8वां कंपनी टू सरपास 6 लाख करोड़ MCAP। RBI ने कैंसिल किया है लाइसेंस किसका, शंकर राव पुजारी बैंक इन महाराष्ट्र का, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया ने सेट किया है 3rd largest इकोनॉमी बाई 2030 अकॉर्डिंग टू S&P विच इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है दोस्तों मालूम है, इसका हेड ऑफिस आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। इसी तरह मूडीज भी है, आप लोगों को याद होगा। और भारत की बात करेंगे तो उसमें आपका इकरा आ जाएगा, और भी कई सारा रेटिंग कंपनी है दोस्तों। SBI ने अक्वायर किया है 20% स्टेक SBI पेंशन फंड का फॉर ₹230 करोड़। RBI ने इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग किया है दोस्तों, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज के मीटिंग में जो इस बार रेपो रेट है वो बिल्कुल अनचेंज्ड है 6.5%, जो आपको याद रखना होगा। फेडरल बैंक का जो नेम हो गया है बैंक ऑफ द ईयर इंडिया बाय फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 1 से 8 दिसंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ है या कह सकते हैं रेजिग्नेशन हुआ उसके बारे में। तो पहला कैटेगरी है नारायण शेषाद्री, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया डेट रेजुलेशन कंपनी एज ए चेयरमैन। रेवांत रेड्डी आप पता है कि तेलंगाना के नए CM बने कांग्रेस के। कैप्टन गीतिका कॉल बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचेन। वाइस एडमायरल दिनेश त्रिपाठी, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है VC ऑफ नेवल स्टाफ। देवेन पारेख, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है IDFC इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बोर्ड। और अक्षता कृष्णमूर्ति बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी अक्षरा के बाद, जितेश जोन ने चार्ज लिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस चीज का, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इन्होंने चार्ज जो लिया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और आप सभी को पता है कि IBC की अगर हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, तो ये 2016 में आया था, रिसेंट्स में इसका जो है अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपॉइंट किया है राजीव आनंद जी को एज ए चेयरमैन, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की पहले आ जाए दो पॉइंट और, आनंद कृपालू को अपॉइंट किया गया है CEO किसका, स्विगी इंडिया का। और इंडियन ओरिजिन समीर शाह को अपॉइंट किया गया है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बोर्ड का। अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों, वो कैटेगरी हमारा है बहुत ही प्यारा सा, जिसका नाम है अवार्ड्स का कैटेगरी। अवार्ड्स की कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो VR ललित अंबिका वॉज कन्फर्ड द टॉप फ्रेंच सिविलियन अवार्ड लीगियन डी ऑनियर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्शिया सत्तार ने रिसीव किया है फ्रेंच लिटरेरी ऑनर्स। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे ने रिसीव किया है प्रेसिडेंट्स कलर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब्दुल आही मायरी विंस 2023 UNHCR नैनसेन रेफ्यूजी अवार्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये तो वन लाइन है ना, रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो इसमें इसीलिए मैं रैपिड रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जामिनेशन में फास्ट रिवीजन हो पाए। इसी का क्या करेंगे, कंपाइल करके मैराथन दे देंगे और आप फास्ट करके देख लीजिएगा एग्जामिनेशन, बहुत हेल्प होगा दोस्तों। नेक्स्ट वन है आपका इंडिया सफीना हुसैन ऑनर्ड विद कतर वाइज प्राइज 2023। रणवीर सिंह को ऑनर किया गया है शरोन स्टोन एट रेड सी फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट वन है आपका दोस्तों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन
बैग्ड ISSA विजन जीरो 2023 अवार्ड एट 23rd वर्ल्ड कांग्रेस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अमेज़न के बारे में. तो अमेज़न ने जीता है नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज. ओलंपियन एम श्री शंकर क्लिंचेस 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसन मोमोआ डीप राइजिंग मूवी वॉन ALT एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल. ठीक है, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और कैटेगरी इसके रिगार्डिंग पढ़ लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और आपको बेहतरीन लेवल पे ये समझ में आएगा ओवरऑल कि इसरो एंड टीम चंद्रयान 3 ऑनर्ड एट इंडिया बिजनेस लीडर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इंडियन ओरिजिन नॉवलिस्ट मियारा चांद रिसीव सिंगापुर हाईएस्ट एट आर्ट्स अवार्ड. इंटर मियामी लायोनल मेसी जो बहुत ही फेमस फुटबॉलर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये किस पार्टिकुलर कंट्री या क्लब से खेलते हैं. नेम्ड टाइम एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो डिफेंस को लेकर के है दोस्तों. और अगर हम बात करेंगे डिफेंस में तो कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस एक हुआ था जिसका 40वां एडिशन था दोस्तों. और ये जो इनॉग्रेशन हुआ था वो डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो हैं वो राजनाथ सिंह की तरफ से हुआ था. पहला जो एडिशन है हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन का महासागर के नाम से, जो लॉन्च कौन किया है तो इंडियन नेवी ने किया है. भारत और श्रीलंका के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ. आप सभी को पता है तीन टाइप का एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स. तो ये आपका मिलिट्री है जो आपका कहाँ पे हुआ है, तो साउदर्न कमांड इन पुणे यानी महाराष्ट्र में. अमृतसर इस बार होस्ट कर रहा है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर, रिमेंबर. GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर डिलीवर इंडियाज लार्जेस्ट सर्वे वेजल INS संधायक टू नेवी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर हम साइंस कैटेगरी की बात करेंगे दोस्तों तो इसरो ने लॉन्च किया है एक्सपोसैट सैटेलाइट्स. अच्छा, ये चीज़ जरूर बताइएगा रिसेंट्स में भी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो एक प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च की है दोस्तों. मेटा जो आपको पता है कि फेसबुक का पैरेंट कंपनी है, और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इन्होंने लॉन्च किया है AI अलायंस टू प्रमोट ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट. इसके बाद हमारा जो कैटेगरी है वो है दोस्तों स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आपका नॉर्मल रहता है दोस्तों. स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको देखना होगा स्पोर्ट्स में कि वेस्ट इंडीज़ के शेन डॉरिच है जिन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट, किससे, क्रिकेट से. ऋतुराज गायकवाड़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू 4000 T20 रन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वैशाली रमेश बाबू बिकम्स इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर यानी कि चेस. अमेज़न ने एक्वायर किया है ICC क्रिकेट राइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027, मतलब टाइटल स्पॉन्सर किसने लिया, अमेज़न ने लिया. इंडिया ने बैग किया है 3 गोल्ड 5 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल इन IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग. चाइना का जो निंगबो है टू होस्ट वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन 2026 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बुक्स एंड ऑथर की बात करेंगे तो वेलकम टू पैराडाइज नाम का जो बुक है जिसको लॉन्च की है कौन, तो ट्विंकल खन्ना ने जो है लॉन्च की है. इससे पहले भी ट्विंकल खन्ना जी कई सारा बुक्स को लॉन्च कर चुकी है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमा कुरैशी लॉन्चेस फर्स्ट नॉवल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब हम बात करेंगे फर्स्ट से लेकर के आपका लगभग 8 दिसंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स था. तो आप यहाँ पर पहला देख सकते हैं कि 1 दिसंबर को जो सेलिब्रेट होता है दोस्तों वो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट होता है, जिसका थीम क्या है, तो लेट कम्युनिटीज लेड, LEAD लेड. नागालैंड स्टेटहुड डे सेलिब्रेट होता है 1 दिसंबर को. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो रेजिंग डे होता है वो भी 1 दिसंबर को. 2 दिसंबर की बात करेंगे तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हो गया, इसका थीम क्या था, तो प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन. 2 दिसंबर की बात करेंगे तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, और इसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है एयर क्वालिटी इंडेक्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. थीम की बात किया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानट. 2 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है क्या चीज़ दोस्तों, तो इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. थीम की बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडियन नेवी डे, और 5 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या दोस्तों, तो वर्ल्ड सॉयल डे. थीम इसका है आपका सॉयल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ. 5 दिसंबर को फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों क्या, तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, इसका थीम है पावर ऑफ कलेक्टिव. और 6 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का डेथ एनिवर्सरी यानी कि महापरिनिर्वाण दिवस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे
तो यहाँ पर आपको एक और मिल जाएगा 7 दिसंबर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। थीम इसका देख लीजिए, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अब आते हैं ऑबिचुअरी में कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में किसका डेथ हुआ था दोस्तों। तो हेनरी किसिंगर नोबेल पीस प्राइज विनर पास्ड अवे, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ फॉर्मर आईएएस ऑफिसर क्रिस्टी फर्नांडेज पासेस अवे, सीआईडी एक्टर दिनेश फडनवीस पास्ड अवे, फॉर्मर मिस्टर यूनिवर्स शॉन डेविस पास्ड अवे एंड 57। तो यहाँ तक का हमारा जो कैटेगरी था वो कुछ इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बोला था कि लास्ट में जाते जाते एक चीज़ आपको बताएंगे दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जो यहाँ पे पढ़ा एक चीज़ वर्ल्ड सोयल डे के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाए इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के रिगार्डिंग, तो आपको इसके रिगार्डिंग कई सारे पॉइंट्स को रिमेंबर रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें ये पॉइंट है वर्ल्ड सोयल डे में क्या रखा जाए। तो देखिए, सबसे पहला है कि ये दिन कब सेलिब्रेट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि 5 दिसंबर को होता है, तो ये तो 2023 का है, बट फर्स्ट टाइम कब से हुआ ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम इसका सेलिब्रेशन कब से हुआ। अच्छा, मान लीजिए अगर ये सेलिब्रेशन हो रहा है तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन करवा रही होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेसिकली क्या है दोस्तों, ये सॉयल के बारे में है, मिट्टी के बारे में है, तो हो सकता है कोई ऐसे पर्सन होंगे जो सॉयल के रिगार्डिंग भारत में या विदेश में काम कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से ये वर्ल्ड सॉयल डे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें थे कौन, तो किंग ऑफ थाईलैंड जो थे, तो इन्होंने सॉयल्स के रिगार्डिंग काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया, जिसके वजह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2014 से पहली मर्तबा जो है वर्ल्ड सॉयल डे जो है मनाना शुरू किया। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये भी है कि भारत सरकार सॉयल्स के रिगार्डिंग कौन कौन से स्कीम चलाती है, जैसे पीएम परंपरागत स्कीम हो गया, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम हो गया, ऐसा कुछ है। तो जब भी आप इंपॉर्टेंट डेज इन इवेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ें तो थोड़ा सा करेंट, थोड़ा सा स्टैटिक किससे एसोसिएटेड देख लें। और बाकी ये जो था दोस्तों वो आपका वीकली करेंट अफेयर था। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और आपका रैपिड रिविजन में काफ़ी हेल्प करेगा। इसी तरह मैं डेली MCQ भी लाऊंगा, करेंट अफेयर भी लाऊंगा। हमारे साथ आपको जुड़े और बने हुए रहना है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच।